有一点。Sweet English noise. 爱是啊。爱是。हेलो भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए ब्लॉग में हम आपको भलीकार करते हैं। तो भाई साहब, मैं अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये उसी GoPro 13 से शूट कर रहा हूँ जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग की थी कुछ दिन पहले, तो वो वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो उस वीडियो को जाके लाजमी देख लेना। अभी मैं यहाँ पर एक जगह पर आया हूँ, ये तकरीबन मेरे घर के बिल्कुल साथ ही है। तो जब भी मैं ऑफ़िस जाता था तो मैंने इसको देखा हुआ था, मुझे लग रहा था कि ये गाँव है, तो किसी दिन मैं चला जाऊँगा वहाँ पर और वहाँ पर व्लॉग वगैरह शूट कर लूँगा। तो आज संडे है, मैं यहाँ पे आया हूँ और इसको देखते हैं। ये सम हाउ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये विलेज है या ये मार्केट है। बात ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये लुक लाइक ऐसा लग रहा है कि ये विलेज है, पर जैसे ही हम अंदर आएंगे तो हमें लगेगा कि ये मार्केट है। देखो, अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन मैं आपको दिखाऊँगा ये पूरी मार्केट के इसमें क्या है। समझो मार्केट प्लस विलेज है, जहाँ सिर्फ मार्केट इन्होंने बनाई है ओल्ड जो विलेज होता है उनकी तरस पे। तो ये जाके ही हमें अंदर घूमेंगे तो पता चलेगा। और इस मार्केट के बीच में ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जो मेरे घर के बिल्कुल साथ है। ये सामने वाली बिल्डिंग है देखो, और ये पीछे बड़ी बिल्डिंग नज़र आएंगी। इन दोनों बिल्डिंग के बीच में ये एक छोटा सा समझो कि मार्केट है और यहाँ विलेज है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई, यहाँ पर इसमें बीच में एक कैनाल भी है, छोटा सा रिवर भी है, और यहाँ पे लोगों ने मन्नत के लिए ताले भी बांधे हुए हैं। और यहाँ पे मुझे इनकी ये जो है, जैसे हम पूजा पाठ के लिए हम जाते हैं मस्जिद मंदिर, तो ये शायद मंदिर इनका बना हुआ है, टेंपल है यहाँ पे। और यहाँ पे इस जगह पे मुझे लग रहा है कि ये इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ऑफिस वगैरह होती है, तो वो यहाँ पर है, इस हिसाब से लग रहा है। बाकी तो ये पूरा चाइनीज़ में यहाँ पर लिखा हुआ है, कहीं पर भी इंग्लिश नहीं है, तो पता नहीं चलेगा क्यों यहाँ पर इतना बहुत बेहतरीन विलेज बना के रखा हुआ है। तो बाकी आप देखोगे इसमें स्ट्रीट वगैरह नंबर शंबर सब कुछ लिखा हुआ है, और शॉप के नाम वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो इस तरफ तो हम नहीं जाएंगे, वहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और आगे की तरफ हम जाते हैं। तो ये छोटा सा रिवर है और इसकी दोनों तरफ ये देखो, इधर भी शॉप है, इधर भी शॉप है। तो हम इस तरफ से चलते हैं और देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं यहाँ पर इस जगह पर। हेलो, नहीं हाओ। तो लोग भी शायद यहाँ पे आए हुए हैं, वाक शाक करते हैं। और अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि ये सारे ना शॉप हैं, यहाँ पे कोई विलेज वगैरह नहीं है। तो उन्होंने इस जो है मार्केट को इस हिसाब से बनाया जैसे ना विलेज होता है। ये देखो, आपको रोड भी ऐसा ही मिलेगा जैसे पुरानी ईंटें लगी होती है उसी टाइम की। शायद ये पुरानी ईंटें लगी हुई थी, इन्होंने उसी ईंटों को यहाँ पर रखा हुआ है। ये यहाँ तो ऐसा ही है कि ये पहले विलेज था, अभी इसको इन्होंने मार्केट में कन्वर्ट कर दिया है। और बहुत ही बेहतरीन प्लेस है, आप देख लो भाई। ये मेरे बिल्कुल घर के सामने था, मुझे मैंने सिर्फ एक बार देखा था कि यहाँ पे ना ओल्ड टाइप का कुछ है, तो मैंने सोचा था कि कभी यहाँ पे आऊँगा संडे वाले दिन और मैं इसको देखूँगा। यहाँ भी शायद स्नोकर वगैरह भी है, चल रहा है, तो हम जाके देखते हैं कि ये कहाँ से ओपन होगा। ये यहाँ पे बंद है, पता नहीं कहाँ से खुलेगा, तो जाके देखते हैं क्या है अंदर। तो भाई यहाँ पे स्नोकर भी चल रहा है, मैंने कहा चलो अंदर जाके थोड़ा हम इस स्नोकर वगैरह को भी शूट करते हैं, और थोड़ा हमने भी ट्राई कर दिया यहाँ पे। चेसे नहीं है, बाय बाय। यार कमाल की जगह है, आप बाहर से देखो किस हिसाब से बनी हुई है, और अंदर देखो कितने बहुत बढ़िया किस्म के इन्होंने शॉप वगैरह और डेकोरेशन करके रखी हुई है सबकी। बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि ओल्ड मार्केट है, अंदर जाओ तो बिल्कुल मंजर ही कुछ अलग नज़र आ रहा है। तो अभी हम इसी जगह को पूरा एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे मिलते हैं। हेलो, नी हाओ, कैन आई से समथिंग? डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? टेम्पू तो लिटिल बिट। Do you know about this place or not?
Chaga place is a market or Chaga village? Chaga. Okay, okay. 你听得懂中文？什么？猜腻子，是不是猜呢？你听懂我们说话？我的中国一点点。一点点。Yeah。你是哪里的？我是巴基斯坦人。巴基斯坦。这个样子呀。तो भाई साहब ये इनसे मैंने ये क्या विलेज है और मार्केट है, तो उन्होंने बोला कि भाई हम यहाँ पे खुद नए हैं, जॉब के सिलसिले में यहाँ पे हैं। तो भाई ये मुझे लग रहा है ये भाई ओल्ड विलेज की तरह मार्केट है। और अभी देखो नाइट हो गई है और लाइट का यहाँ पे देखो कैसा इन्होंने सिस्टम बना के रखा हुआ है, बहुत ही अमेजिंग। हर तरफ से बेहतरीन किस्म की लाइटें स्टार्ट हो चुकी हैं। ये वाला गेट देखो यहाँ पे, ओहो कैसे चमक रहा है। और मैंने सुना है कि GoPro का थोड़ा नाइट विजन जो है ना वो मज़े का नहीं है, तो शायद आपको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी जो मुझे नज़र आ रही है। बहुत ही बेहतरीन प्लेस है, बैठने की जगह है। और यहाँ पे इन्होंने देखो पुराने ज़माने का जो कुआं होता है, कुएं से कैसे पानी निकाला जाता है, वो भी इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो इनका कोई बहुत पुराना विलेज है जिसको इन्होंने अभी थोड़ा मार्केट की तरफ बना के रिनोवेट करके और यहाँ पे बेहतरीन माहौल करके रखा हुआ है। यहाँ पे एक सैलून भी है, ये देखो हेयर सैलून। वैसे मुझे भी बाल बनवाने हैं, बट अगर मैं इस सैलून में चला गया तो मुझे नहीं पता कितने पैसे लेंगे। चलो फिर भी मैं इनसे पूछता हूँ कि ये कितने पैसे लेते हैं यहाँ पे एक बाल कटाइए। हेलो नी हाओ गुड है me how much 1000 20 剪头发 for hair 有没有? यार पहले तो मैं परेशान हो गया, जिस हिसाब की ये सैलून बनी हुई है मैंने समझा कि यहाँ पे 50-60 तो ये लेते होंगे, बट ये बोल रही है अर्शे। मैं हैरान हो गया था, अर्शे कैसे बोल रही है, या तो मैं गलत समझ रहा हूँ। फिर मैंने कंफर्म किया ट्रांसलेट करके से पूछा कि भाई आप बालों के जो हैं कितने लेंगे, तो उन्होंने बोला है कि 20 युआन लेंगे। मेरे हिसाब से 20 युआन जहाँ पे लेते हैं ना वो बहुत बड़ा सस्ता होता है। तो चलो ठीक है, अभी आया भी हूँ यहाँ पर तो बाल भी बनवाते हैं। लास्ट टाइम मैंने जनताई से बाल बनवाए थे, उसके बाद मैंने बाल नहीं बनवाए हैं, मैं खुद ही वो थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेता हूँ। तो आज हम यहाँ से बाल बनवाते हैं। और अभी सर्दियाँ भी स्टार्ट हो चुकी हैं यहाँ पर, बहुत तेज़ी से सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। और आप देख लो भाई बाहर कैसा एक किस्म का विलेज है और अंदर इन्होंने कैसी बेहतरीन सेटिंग बना के रखी हुई है अपने शॉप्स वगैरह की। यस सर, ओके। सो चाइना में बाल बनाने से पहले आपको पूरा वॉश किया जाता है। ये देखो भाई, एक बार पहले हम चेक करते हैं और बाल बनाने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि बाल कैसे बनाए हैं इसने। इसको कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं पहले ही ना स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ कि मुझे ऐसे बाल बनवाने हैं। अभी ये पूछ रहा है मुझसे ना कि आपको बाल कैसे चाहिए। सही है यार, बेहतरीन बनाए रहे इसने बाल, बहुत बड़ी मेहनत करी है मेरे बालों पे। और मैंने जो इसको पिक्चर देखा है सेम वही इसने कटिंग बनाई है। ये थी हेयर सैलून जहाँ से हमने बाल कटवाए। अभी हम जा रहे हैं और इस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। अभी तो यहाँ पे नाइट हो गई है और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने में फिरने में। ये देखो, ये जो आपको मैंने दिखाया था केनाल, इस केनाल को इन्होंने यहाँ पे देखो कवर करा हुआ है पूरे केनाल को। और यहाँ पे इन्होंने कोई वुड ब्लॉक लगाया हुआ है इस तरफ से, ताकि वहाँ पर वही ईंटें लगी हुई हैं जो पुरानी ज़माने की ईंटें थी। और यहाँ पर अगर आप आगे चलोगे तो आपको यहाँ पर मिरर नज़र आएगा शीशा। नीचे रिवर है, ऊपर इन्होंने शीशा लगाया हुआ है यहाँ पे। आज हम आपको ये पूरी जगह दिखाने जा रहे हैं। ये तो अभी तक मैंने एक ही स्ट्रीट ही देखी है इसकी, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और यहाँ पे ये एंड हो रही है बिल्कुल। ये सामने देखो कि ये बैठने की भी जगह है और वो भी बिल्कुल चाइनीज़ स्टाइल में है। इस तरफ यहाँ पर कॉफ़ी की शॉप भी है, खाने पीने के भी शॉप हैं यहाँ पर। और ये सामने मुझे बड़ा रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है। इस तरफ ये मार्केट है, सुपर मार्केट है। तो हम इसमें जा रहे हैं अंदर, देखते हैं क्या चीज़ें हैं, ताकि अगर कभी मुझे आना पड़े
तो मैं यहाँ से ही सामान ले लूँ। ये देखोगे ये बिल्कुल चेंज मार्केट है, अभी तक जितनी मार्केट मैंने घूमी है यहाँ पे सबसे ये अलग मार्केट है। इन्होंने सारे 5-6 शॉप को मिला के एक बड़ी मार्केट बनाई है, सीधी सीधी मार्केट है। तो ये बिल्कुल चेंज है, जितनी भी मार्केट मैंने देखी है सबसे ये अलग है। इस मार्केट का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये कितनी महंगी है। सामान मैं यहाँ से नहीं उठाऊँगा, सामान तो मैं वहीं से ही लूँगा। तो मेरे घर के सामने एक मार्केट है, वो बहुत सस्ती पड़ रही है। तो भाई ये थी सुपरमार्केट, और ये उसके साथ जिस जगह पे मैं आया हुआ था, नाइट व्यू उसका चेक कर लें यहाँ पे। और बस अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। ये इनका यहाँ से फ्रंट लुक है, ये देखें भाई, ये कुछ इस तरीके से नज़र आती है पूरी मार्केट। तो मैं इस रोड से जाता हूँ घर की तरफ ऑफिस से, तो मैंने इसको देखा हुआ था, मैंने कहा कभी मैं आऊँगा यहाँ पे व्लॉग बनाऊँगा। और ये तो मार्केट है इस तरफ भी और उस तरफ भी। ये हमारे अपार्टमेंट है जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ से इनका एंट्रेंस है। और सामने की तरफ अगर आएंगे तो मेरा घर है, और इसके सामने अगर आप देखोगे तो ये मार्केट है सामने, बिल्कुल मेरे घर के सामने। तो अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट की तरफ, सामान लूँगा, सामान लेने के बाद फिर मैं डिनर वगैरह तैयार करूँगा, और उसके बाद हम फिर सो जाएंगे। कल फिर ऑफिस हमें जाना है, तो वो सामने मार्केट है, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। ये वाली मार्केट भी चेक कर लें यार, ये मार्केट बहुत सस्ती है। चिंगदाव में मैंने जो पहली मार्केट थी वहाँ भी गया था, वो बहुत महंगी थी, अगर उससे कंपेयर करें तो ये मुझे बहुत सस्ती पड़ती है। मार्केट से सब्ज़ी लेके मैं आ गया हूँ अपने घर। तो ये मेरा नया घर है, कभी वीडियो बनाऊँगा। इसमें 3 रूम है, एक ये है, दूसरा ये, तीसरा मेरे पीछे, और वहाँ पर किचन है। तो कभी वीडियो बनाऊँगा इस घर का भी। तो इस व्लॉग को करते हैं फिलहाल अभी यहीं पे फिनिश। मिलेंगे फिर अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।